जगदीप साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी है। वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे और उतनी ही रंगीन उनकी जिंदगी भी रही है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जगदीप साहब हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। जगदीप साहब ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन शादियां की थी और अपनी तीसरी शादी के लिए जगदीप साहब बहुत सुर्खियों में थे, क्योंकि ये शादी उन्होंने की थी अपने ही बेटे की होने वाली बीवी की बहन से, यानी कि अपने ही बेटे की होने वाली साली से। क्या है ये पूरा किस्सा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये बात तब की है जब जगदीप साहब के बेटे नावेद जो हैं उनको देखने के लिए लड़की वाले आए थे। लड़की वालों की तरफ से उनकी फैमिली आई थी और इधर जगदीप साहब की भी फैमिली मौजूद थी। नावेद ने लड़की को तो देखा, लेकिन उस टाइम नावेद शादी के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो पहले अपने करियर पर फोकस करते थे। इधर नावेद का तो दिल लड़की पर नहीं आया, लेकिन जगदीप साहब का दिल लड़की की बहन पर आ गया। जी हाँ, जिसका नाम था नाजिमा, और नाजिमा और जगदीप की एज में 33 सालों का फर्क था, यानी कि नाजिमा तकरीबन जावेद जाफरी की उम्र की थी जब जगदीप साहब ने नाजिमा से तीसरी बार शादी की। नाजिमा के साथ जगदीप साहब को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया मुस्कान। और ताजुब की बात तो यह है कि जगदीप साहब की बेटी मुस्कान का उनके पोते मिजान से एज डिफरेंस सिर्फ 6 मंथ्स ही है। तो कुछ इस तरह से जगदीप साहब ने अपने से 33 साल छोटी लड़की, जो कि उनके होने वाली बहू की बहन थी, उससे उन्होंने शादी कर ली थी। इस दौरान जगदीप साहब को लेकर काफी मीडिया कवरेज भी हुई थी, काफी सुर्खियां बटोरी थी इस खबर ने, और साथ ही कहा गया था कि तब जगदीप साहब के दोनों ही बेटे उनसे काफी नाराज हो गए थे उनके ऐसे डिसीजन से। जहां एक तरफ वो उनके बेटों के लिए एक सौतेली बीवी तो ले ही आए थे, वहीं जो एज डिफरेंस था वो बहुत ही ज्यादा था, जिसके चलते बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा था जगदीप साहब के बेटों को। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे वक्त के साथ सबके रिश्ते काफी अच्छे हो गए और अब कहा जाता है कि जावेद जाफरी भी मुस्कान को फैमिली मेंबर की तरह ही मानते हैं।